आज 5 साल में जो मूलभूत सुविधाएं जैसे टॉयलेट हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, रोड हो गया, ये तक इस एमएलए ने कुछ किया नहीं। डेवलपमेंट के प्रकल्प का तो छोड़ दो, जैसे हमने मोनोरेल लाया, ईस्टर्न फ्रीवे बनाया, वो अनिक रोड डेवलप किया और काफ़ी सारे काम हमने किए हमारे टाइम पर, बट आज पिछले 5 साल में एक भी काम इन्होंने नहीं किया। एस आर ए के स्कीम के तहत जितने भी स्लम के प्रोजेक्ट्स आज सायन कोलीवाड़ा के अंदर है, आज करीब 15-15 साल से उसी पोजीशन पर अटके हुए हैं। और मुझे लगता है अगर मैं चुनकर आता हूँ तो वो जो एक डेडलॉक सिचुएशन सब जगह बना हुआ है वो तोड़कर जल्द से जल्द डेवलपमेंट का कार्य हो, ये मैं आशा रखता हूँ। अभी वो पंजाबी कॉलोनी में 25 बिल्डिंग का मुद्दा है जिधर एमएलए और उसका भाई गुंडागर्दी करते घूम रहे हैं, सभी लोगों को बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ पे तुमको सिग्नेचर देना है। एक बैंकक्रप्ट बिल्डर, जेल गया हुआ बिल्डर को ये लोग लेकर आके उसको ज़बरदस्ती अपने खुद के निजी फायदे के लिए 1200 लोगों को बेघर करने का प्लान कर रहे हैं। आज पीएमसी बैंक बंद हो गया, पीएमसी बैंक इतना बड़ा मुद्दा है, 50,000 से ज़्यादा डिपॉजिटर आज सायन कोलीवाड़ा विधानसभा के अंदर रहते हैं। एमएलए साहब ने एक भी बार ये नहीं कहा कि जो हुआ गलत हुआ और इसको हम लोग सुधारेंगे, वो कहते हैं आरबीआई के ऊपर दे दिया इन्होंने। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, पीएमसी बंद होने की वजह से लोग त्रस्त है, उनको उनका पैसा वापस चाहिए और मुझे लगता है मैं चुन कर आऊँगा तो विधानसभा में ये मुद्दे पर ज़ोरदार तरीके से बोलूँगा। तो शायद आपको शायद पता नहीं है, 10 साल से रुके हुए हैं, उसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे डेवलपमेंट भी हुए हमारे समय हुए, पिछले 5 साल में एक भी प्रोजेक्ट कम्प्लीट नहीं हुआ। अभी आप यही गली में अंदर चले जाओ, सामने एक मस्त आलिशान बिल्डिंग बनी है, वो कोई प्राइवेट डेवलपर ने बनाया हो, माड़ा ने बनाया हो, जितने डेवलपमेंट हुए वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए। जब से 2014 से आज तक मुझे एक प्रोजेक्ट बता दो जो कंप्लीट हुआ हो। आर्थिक मंदी इतना लेकर आ गए देश के अंदर, जीएसटी डीमोनेटाइजेशन लेकर आके, कि डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता, रियल एस्टेट के सभी बिल्डर लूट गए। जैसे आज आपके माजी आमदार जगन्नाथ शेट्टी के बड़े बेटे बीजेपी में प्रवेश कर चुके, इससे आपको कितना नुकसान होगा? मेरी पूरी शुभकामनाएं उनको, उनके पिताजी बहुत आदरणीय आदमी है। अभी इलेक्शन के समय उनके पिताजी का याद उनको रखना चाहिए था कि 50 साल जिस व्यक्ति ने कांग्रेस को दिया, इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए वो वहाँ पे जाने नहीं चाहिए थे, बट अगर वो उनकी इच्छा है, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को कुछ बहुत बड़ा इससे झटका होगा। जो उसके पिताजी जो थे उनके, वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनके जो कार्यकर्ता है आज भी वो सब कांग्रेसी है, उनके साथ वो अकेले ही गए, कोई कांग्रेसी साथ में गया नहीं है, खून में आज भी उसके भी कांग्रेस ही रहेगा। बट देन ठीक है, उनको मेरी शुभकामना है कि वो राजनीति करियर में आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता, वो ऐसे तो हमारे साथ है, सभी उनके कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, वो कहीं बारगांव गए आज नहीं आए, बट उन्होंने फेसबुक पे और सब जगह वीडियो भी डाला है। 1-to-1 फाइट तो मुझे किसी के साथ भी दिख नहीं रहा है ये टाइम तो, नहीं ऐसा तो देखो ऐसा है कि मुझे लगता है कि इजी तो अभी तमिल सेल्वन जैसे आदमी को अगर ये लोग लड़ा रहे तो फिर हमको खुशी की बात है कि जिस मेरे को तो जनता कह रही है ये बात कि बारह चाहे 22 तारीख को दशहरा मनाया गया, थोड़े दिनों पहले दशहरा मनाया गया, बट असली दशहरा 24 तारीख को बीजेपी के रावण को जलाकर मनाएंगे, ऐसे पब्लिक बोल रहे हैं।